साली को छेड़ा तो दामाद को मार डाला, जंगल में छिपाई लाश, इधर उधर फेंकते रहे हड्डियां। जीजा ने साली को छेड़ा तो पूरे परिवार का खून खौल गया। ससुराल वाले दामाद को पीटते हुए जंगल में ले गए। यहाँ साले ने डंडे से वार किया जिससे जीजा की मौत हो गई। इसके बाद आरोपियों ने जंगल में पत्थर की बाउंड्री में लाश दबा दी, फिर एक दो दिन में जाकर हड्डियां यहाँ वहाँ फेंकते रहे। मामला रीवा जिले के मऊगंज में दामोदरगढ़ पहाड़ का है। आरोपियों ने काफी दिनों बाद दामाद के घर वालों को उसकी मौत की सूचना दी थी, जिसके बाद मृतक के रिश्तेदार ने जंगल में मिले नरकंकाल और उसके पास पड़ी माला, राखी और कपड़ों से उसकी शिनाख्त की और पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। हालांकि पुलिस भी हत्या की स्पष्ट तारीख नहीं बता पा रही है। 3 माह पहले हुई थी हत्या। इस वारदात में ससुर के साथ 7 रिश्तेदार भी शामिल थे। जड़कुड़ का रहने वाला राम सुहावन सिंह गोड़ उर्फ संतोष 27 वर्षीय 2 साल से ससुराल में ही रह रहा था। 3 महीने पहले हुई वारदात वाली रात सुबह 5 बजे बेटी के चिल्लाने की आवाज आई तो सभी लोग कमरे में पहुंचे। पता चला राम सुहावन साली को छेड़ रहा था। ये बात सुनकर सभी आक्रोशित हो गए। उन्होंने राम सुहावन को समझाइश दी लेकिन वह गाली गलौज करने लगा। चाचा और मौसी के लड़के भड़क गए, गुस्से में मारते पीटते जंगल ले गए। वहां चचेरे साले ने पीछे से डंडा मार दिया जिससे राम सुहावन की मौत हो गई।